हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन का स्पीड पर लगा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, RTI, जी हाँ दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये 2005 में आया था और महज 3 साल में घट गई है वंदे भारत की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेनों की औसत रफ्तार 2020-21 में 84.48 किलोमीटर प्रति घंटा से घट के 2023-24 में 76.25 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक RTI के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि रेल अधिकारियों ने कहा है कि न केवल वंदे भारत बल्कि अन्य ट्रेनें भी जगहों पर सावधानीपूर्वक रफ्तार से चलाई जा रही है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे पर काम चल रहा है और जिसके कारण कुछ वंदे भारत ट्रेनों के कठिन इलाकों में भी चलाया जा रहा है। भौगोलिक कारणों और खराब मौसम की वजह से रफ्तार पर रोक लग गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुंबई और मडगांव के बीच वंदे भारत ट्रेन जो आपको है वो कई ऐसे जगह से घाट सेक्शन से गुजरती है। कोंकण रेलवे ज़्यादातर घाट सेक्शन से गुजरती है। ट्रेनें कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। यह एक कठिन इलाका है जहां गति बढ़ाने से सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जिसके कारण वहां पर मानसून के मौसम में चीज़ें बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है और जब हमें सभी ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अधिकारी बता रहे हैं। खराब रेल पटरियां भी बड़ी वजह है जो वंदे भारत स्पीड जो ट्रेन चलती है उसका स्पीड कम करने में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी वंदे भारत ट्रेन और उस समय अधिकतम गति था 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, रेल पटरियों को अच्छा नहीं होने के कारण दिल्ली आगरा मार्ग को छोड़कर देश में कहीं भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी कारण वंदे भारत ट्रेन का जो स्पीड है वो घट गया है। रेल पटरियों के अपग्रेड करने का कवायद चल रहा है। दिल्ली और आगरा के बीच कुछ ऐसे ट्रैक हैं जहां 2016 में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस के लिए विकसित किया गया था जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती थी। जी हाँ दोस्तों, केवल इन्हीं ट्रैक पर वंदे भारत भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। बाकी जगहों पर इसकी अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर या उससे कम है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में तो 110 किलोमीटर पर आवर से ही चलती है वंदे भारत ट्रेन। तो इस तरह से आपको बता दें रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है और कई कारण हैं, कई जगह पर सतर्कता बरती जा रही है और एक बार जब अपग्रेड पूरा हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसी ट्रेनें होंगी जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी भारत बना रहा है। चेन्नई ICF कोच फैक्ट्री में ये बन रहा है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, जो अपना होगा यानी स्वदेशी बुलेट ट्रेन होगा उसका नाम होगा वंदे भारत बुलेट ट्रेन जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। तो आपको बता दें अभी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है 110 पे चल रही है, कहीं पर 130 से चल रही है, कहीं पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चल रही है। जो दिल्ली और झांसी के बीच जो वंदे भारत ट्रेन है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चल रही है। लेकिन फिलहाल 2-3 साल में वंदे भारत ट्रेन का जो औसत गति है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 76 किलोमीटर प्रति घंटा रह गया है और इसके कई सारे भौगोलिक कारण हैं, कई सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, कई सारे कठिनाइयों वाले इलाके में चलती है जैसे कोंकण रेलवे काफ़ी घाट सेक्शन में चलती है जिसके कारण जो एवरेज स्पीड है वंदे भारत का वो घट गया है। आप देख पा रहे होंगे कितनी पहाड़ है, कितनी मुश्किलों से ऐसी पहाड़ी इलाका में वंदे भारत ट्रेन चलती है जिसके कारण और भी कई ट्रेनें की स्पीड भी साथ साथ घट गई है। तो इस तरह से RTI में खुलासा हुआ है दोस्तों। और जो भी न्यूज़ द रेल फैक्ट्स के माध्यम से आता है, द रेल फैक्ट्स दिखाता है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।